एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के इस नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अमित चंद्रा और आज देख रहे हैं आप लेक्चर 46 इंग्लिश वोकैब बूस्टर माय डियर। और 10 मिनट में 50 वोकैब्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है इस पर्टिकुलर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर क्लास को। देखिए क्या कुछ है आज पर्टिकुलर सेशन में, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो आपको ये दिया हुआ है कि आप 10 मिनट में 50 प्लस वोकैब्स जो पढ़ रहे हैं माय डियर, ये पर्टिकुलर इस चैनल के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम इन 10, ओके। अगर हम बात करते हैं अन अकेडमी के लर्निंग ऐप की, तो अगर आपने अभी तक लर्निंग ऐप भी इंस्टॉल नहीं किया है तो बिल्कुल फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लें माय डियर, क्योंकि अब जो है एक एग्जामिनेशन आपका ऐसा होने वाला है जिसमें आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी। और वो प्लान अब कुछ बहुत बड़ा होगा, वो स्पेसिफिक प्लान नहीं होगा, पहले एक ओवरऑल प्लान होगा, उसके बाद फिर आप स्पेसिफिक प्लान की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके आप अमित चंद्रा को वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा बच्चे, है ना, और ताकि सारे वीडियोज आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो बिल्कुल अमित 11 का कोड डालेंगे, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी लिया है, आप भी लीजिए और डेफिनेटली 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 5400 रुपीज का पड़ेगा 6000 का, ठीक है। तो बिल्कुल फटाफट से आप अपने करियर को प्लान कीजिए माय डियर, अपने करियर को एक बड़ा सा एक बढ़िया सा रूप दीजिए, ठीक है। और देखिएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए सबसे पहला वर्ड जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉमेंसुरेट। कॉमेंसुरेट एक एडजेक्टिव की तरीके यूज होता है। इसका मतलब क्या है जरा समझोगे, इसका मतलब है प्रोपोर्शनेट। अगर कोई भी चीज़ क्या है, मेंसुरेशन में आप देखिएगा हमेशा मेंसुरेशन में प्रोपोर्शन की बात की जाती है। इसका मतलब होता है परीक्षा में मेंसुरेशन से अनुपाती या समानुपात को हम लोग बोलते हैं। एक्चुअल में क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, अनुपात या फिर समानुपात, ठीक है, अनुपात या समानुपात बोला जाता है। इक्वल या फिर प्रोपोर्शनेट कहते हैं, सिनोनिम की तरीके यूज करेंगे। एंटोनिम बहुत प्यारा सा है, इनकमेंसुरेट या फिर आप कह सकते हैं इनएडिक्वेट, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स माय डियर आपके सामने हैं यहाँ पर, ये दोनों भी आपको याद कर लेने हैं, बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है, है ना। देखिए सैलरी विल बी कमेंसुरेट विद एज नो एक्सपीरियंस, ठीक है, एक अनुपात में सैलरी मिलेगी, एक्सपीरियंस और एज से कोई मतलब भी नहीं है, वही चीज वहां पर बोलने की कोशिश करी गई है। देखिए सबसे पहला वर्ड, दूसरा वर्ड जो आपके सामने है दैट इज कॉल्ड इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब क्या होता है जरा समझोगे, इनिमिकल का मतलब हो जाता है कोई ऐसा चीज जो विरोध या फिर शत्रु की बात करे। तो इस पर्टिकुलर फेस को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि किस शत्रु के बारे में बात करी जा रही है। आपके भी बहुत सारे शत्रु होंगे इसी तरीके से, ठीक है, याद रखिएगा। मैल वॉलेंट बोला जाता है, मैल से याद रख सकते हो मैला, मैल से क्या याद रख सकते हो, मैला याद रख सकते हो। और जब मैले की बात आती है तो फिर क्या हो जाता है, गंदा, और शत्रु हमेशा क्या होता है, गंदा ही तो होता है आपके हिसाब से। साउंड्स लाइक एनिमी, तो इनिमिकल इज साउंड्स लाइक एनिमी, और एनिमी क्या होता है, दुश्मन की बात करते हैं। तो एनी और मिकल आ एनिमी हो गया क्या। देखिएगा ओपोनेंट, अपोज या फिर हॉस्टाइल, राइट। आई एम फेड अप विद दिस हॉस्टाइल क्वालिटी ऑफ माई फ्रेंड, मतलब उसके विरोधी भास या फिर कह सकते हैं उसके शत्रुता से मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। Amicable, ये आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम की तरीके फ्रेंडली हो सकता है। तो द पॉलिसी वॉज इनिमिकल, जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से विरोधाभास है या विरोध शत्रुओं के लिए है। टू ब्रिटेन्स रियल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने अगस्त। अगस्त एक एडजेक्टिव की तरीके यूज होता है, इसका मतलब है भौचक्का रह जाना। तो भैया अगर कोई भी इस तरीके की इस महिला भूत को यहाँ समझ में आ रही बात, इस महिला भूत को जो भी देख लेगा वो भैया सरप्राइज ही हो जाएगा, वो भौचक्का रह जाएगा, वो चौक जाएगा, बिल्कुल पागल हो जाएगा वो, मैं तो आवाज नहीं निकलेगी मेरी, ठीक है। फिल्ड विद हॉरर एंड सरप्राइज कह सकते हो, अगस्त अगोस्ट, ठीक है। तो घोस्ट को देख के सब भौचक्के रह जाते हैं बच्चे, टेरिफाइड रह जाते हैं, हॉररफुल होता है, स्ट्राइकिंग कह सकते हैं। फियरलेस या अनफ्रेड ये पर्टिकुलर आपका एंटोनिम हो जाएगा। तो देखिए यूसेज, ही स्टूड अघास्ट एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। नेक्स्ट है आपके सामने कोवेचुअस। कोवेचुअस एक एडजेक्टिव की तरीके यूज होता है, इसका मतलब है लालची या लोभी या फिर रपैशियस या फिर ग्रीडी इंसान, वो इंसान जो हमेशा दौलत के बारे में सोचता है, वही तो ग्रीडी हो जाएगा ना बच्चे। कोव मतलब कौवा याद रख सकते हैं, तो कौवे बहुत लोभी होते हैं, ये चीज आपको पता है। हंग्री होते हैं, डिजायरस होते हैं, ये अब्रेशियस होते हैं, ठीक है। अच्छा जेनरस जो होगा एकदम जेन्युइन इंसान होगा, आल्ट्रुइस्ट होगा या लिबरल होगा, वो आपका एंटोनिम के कैटेगरी में यहाँ पर आ जाएगा। तो शी फिंगर्ड द लिनन
विद अ कोविचुअस हैंड, मतलब उन्होंने बहुत उस जो है कि कपड़े की तरफ, लेनिन की तरफ जो है कि एकदम भूखे या लोभी की तरीके पकड़ा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने बेसेट। बेसेट एक वर्ब की तरीके यूज करते हैं बच्चे, इसका मतलब होता है इनकम्पास, मतलब घेर लेना। जब समझ दैट कि आई बेसेट अराउंड द एनिमल्स, मैं घिर गया था किसके, एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। बी सेट और बी रेडी, तो बी रेडी, आज हम उन्हें घेर लेंगे, यही तो कहते हैं। वैक्स या फिर बॉदर कह सकते हो। असिस्ट, रिलीज या फिर कंफर्ट, या आपके एंटोनिम की तरीके यूज होगा। तो द सोशल प्रॉब्लम्स दैट बेसेट द यूके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने बिकरिंग। बिकरिंग का मतलब होता है फाइट, कलह। तो देखिएगा, एक यहाँ पर लेडी और एक बॉय एक दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। दे मस्ट बी हस्बैंड वाइफ एज वेल, राइट। ओके, तो ब्रिक से आप क्या कह सकते हैं, ईटा, ईट होती है ना, तो ब्रिक, घिसने से, घिसने के बाद उन लोगों के कला शुरू हो गई, है ना। ब्रिक जब घिसना शुरू किया उन लोगों ने, तो उसके बाद से जो उनके अंदर कला जो है शुरू हो गई। ये एक तरीके से देख सकते हैं सुपर नेचुरल पावर की तरीके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वारल, आर्ग्यू, डिस्कस पीस या फिर हार्मोनाइज, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। गपल, हु बिकर ओवर हु गेट्स व्हाट फ्रॉम द डाइवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्रोनी। क्रोनी का मतलब क्या हो गया भाई, क्रोनी एक नाउन की तरीके होता है, इसका मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। तो अभी देखिए कोरोना हमारा एक घनिष्ठ मित्र की तरीके होता जा रहा है, जिसको छू लो उसको हो जा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम शांत। हालांकि क्रो रोनी, क्रो और रोनी, एक जमाने में क्रो और रोनी बहुत गहरे मित्र थे, ठीक है। बॉजम फ्रेंड्स कह सकते हो, अच्छा कंपेनियन कह सकते हैं, अच्छा एनिमी, फो या फिर एंटागोनिस्ट, ये आपके एंटोनिम की तरीके यूज होगा। तो वी वॉन्ट, ही वेंट गैम्बलिंग विद हिज क्रोनीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने डिसेबल्ड। डिसेबल्ड एक एडजेक्टिव की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है नॉट इन ऑर्डर, बिखरा हुआ। अब यहाँ पर इस अलमारी को देख सकते हैं आप, इसमें न जाने क्या क्या ठूस के भरा हुआ है कि कोई भी चीज आपको समझ में आ ही नहीं रही है। तो दिस शेल्फ्स डिसेबल्स, ठीक है, ये सारी शेल्फ्स बिखरी पड़ी है, अस्त व्यस्त है, मैसी है, डिसऑर्डर है या फिर डिसअरेंज है कह सकते हो। टाइडी या अरेंज आपके एंटोनिम की तरीके यूज हो जाएंगे। यूसेज देख लीजिएगा, अ मैन विद लॉन्ग डिसेबल्ड हेयर, मतलब पूरे बिखरे हुए बाल उसके। नेक्स्ट है आपके सामने मैलिन, ठीक है, मलिन कह सकते हैं, एक एडजेक्टिव की तरीके यूज होता है, इसका मतलब क्या है जरा समझो, नुकसान दे, परनीशियस, है ना, दैट आई गॉट परनीशियस, राइट, देयर इज परनीशियस यू कैन से बिजनेस, राइट, एक बहुत नुकसान दे बिजनेस, इसको कभी नहीं करना चाहिए। तो मलिन जगहों में रहना नुकसानदेह होता है, बहुत दिक्कत होती है वहां पर। एविल, मैलवॉलेंट कह सकते हो, हेल्पफुल, एडिंग या फिर बेनिग्न कह सकते हो, एंटोनिम बड़ा प्यारा सा है यहाँ पर, हेल्पफुल या फिर एडिंग या बेनिग्न कह सकते हो, ठीक है। यूसेज देख लीजिएगा, तो शी हैड अ स्ट्रॉन्ग एंड मैलिंग इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, अच्छा लाइफ आपकी कैसे चल रही होती है, ऊपर नीचे चल रही होती है, ठीक है, तुरंत तत्कालिक, इंस्टेंट, पता चला कि अभी ऐसे चल रही, फिर डाउन हो गया, फिर ऐसे ऊपर हो गया, ठीक है, तो इंस्टेंट कह सकते हैं, तुरंत कम करने को इंस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इमीडिएट, क्विक, डिले, स्लो, लेटर, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। यूसेज देख लीजिए, तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, तो ये सारे वो वर्ड्स है माय डियर जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। और हाँ जी, बिल्कुल याद रखिएगा एक और बात, अमित 11, ठीक है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें डेफिनेटली आप वहां पर डाल दें अमित 11, और एक बार मुझे बता दें कि हाँ जी सर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फैंटास्टिक सेशन माय डियर, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें इस पर्टिकुलर चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।